प्रोग्राम है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि इतना एक अच्छा विषय और आज सब इतनी संख्या में सब लोग हैं, तो एक विचार आपने दिया और किस प्रकार से इस पर मंथन भी हो। चुनाव बहुत नज़दीक हैं, जनता को मैसेज कैसे मिले कि कैसे बेहतर लोगों को चुना जा सकता है और कैसे बेहतर ये समस्याएं हमारी उसका निवारण कर सकते हैं। बहुत सुंदर टॉपिक शिक्षा, और शिक्षा एक ऐसा उपकरण है कि जो सीखने और सिखाने की क्रिया है, और यदि हम सब लोग शिक्षित होते हैं तो उसका लाभ समाज को, राष्ट्र को, सबको मिलता है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि शिक्षा की बात करें तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे वो विद्यालयी शिक्षा हो या उच्च स्तर शिक्षा, कहीं पर भी काम नहीं किया जा रहा। हमने मांगा था उत्तराखंड राज्य अलग, वो इसलिए मांगा था कि हमारी शिक्षा की बात हो सके, हमारे स्वास्थ्य की बात हो सके, लेकिन बात हो केवल खनन की और शराब की, तो यह प्रदेश कहाँ लेके जा रहे हैं हम सब लोग। और आज इस विचार मंथन के लिए आप सबको बुलाया इसी बात का है। ऐसा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनने इस एक टॉपिक पर बात करने को कहा। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें, हम सबको समझना पड़ेगा कि शिक्षा को बेहतर कैसे कर सकते हैं हम। और जब तक शिक्षा बेहतर नहीं होगी तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। और आपने जो तीन चार जो प्रॉब्लम बताई, चाहे पलायन हो, चाहे बेरोजगारी हो, वो सब का भी कारण है शिक्षा। और सबसे ज्यादा यदि पलायन हुआ तो हमारे पहाड़ खाली हो गया है। पहाड़ में शिक्षा की जो कमी देखने को मिलती है आज, वो उसको देखना हमारे लिए और मुश्किल हो गया, क्योंकि हमने मांगा था उत्तराखंड राज्य और 21 वर्षों में कोई दीर्घकालिक नीति नहीं बन पाई, सब बिल्कुल टेम्पररी चल रहा है। एजुकेशन में यदि शिक्षक तैनात किए जाते हैं वो भी टेम्पररी है, कैसे मिलेगी शिक्षा। तो जब तक हम शिक्षा को महत्ता नहीं दे पाएंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, राष्ट्र भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है कि शिक्षा को हम मजबूत करें। और अभी मेरे सामने आई बात कि हम तो पहाड़ में पढ़े, उस समय की पीढ़ी, यानी कि हमारे पिताजी लोग जो सोचते थे शिक्षा के बारे में कि हमारे बच्चे कैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आज हम लोग जो हैं शहर में तो थोड़ा बहुत जागरूक है, हम अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ा लेते हैं, लेकिन पहाड़ में जरूर वो जो कमी थी वो आज देखने को मिल रही है कि पहाड़ में हम शिक्षा के प्रति और कमजोर हो गए। उस समय जो अनपढ़ व्यक्ति भी था वो भी चाहता था कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। और उस समय ये प्राइवेट स्कूल नहीं खुल पाते थे, सरकारी स्कूल नहीं खुल पाते थे, प्राइवेट स्कूल्स बनाते थे, और उन प्राइवेट स्कूल में जो अभिभावक की भूमिका होती थी वो चंदे से, रामलीला करके, तमाम जो संसाधन चंदा करके स्कूल बनाते थे, और आज वो स्कूल बंजर कर दिए गए, जबकि और बेहतर स्थिति में होना चाहिए था, उनको और बंजर बना दिया। तो ये बड़ी, तो मेरे राजनीतिक दलों से ये निवेदन रहा है कि क्या हम एजुकेशन को बात कर सकते हैं। तो एजुकेशन यदि जल्द बेहतर होगी तो हमारा पलायन भी रुक जाएगा। और मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा पहाड़ के लिए जिस प्रकार के नवोदय विद्यालय है या जवाहर, इस प्रकार के जो कॉलेजेज हैं वो जरूर बनाएं। उससे क्या होगा कि हमारा पलायन रुकेगा। पलायन कैसे रुकेगा? हमारा सबसे ज्यादा पलायन जो किया है वो फौजी भाई ने किया है, जो 80% से ज्यादा यदि पलायन हुआ तो फौजी का हुआ। और यदि फौजी भाई को, अब तमाम हमारे राजनीतिक दलों के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, यदि ये अपनी अपनी जगह पर भी ये बात समझा दें कि एजुकेशन को कैसे बेहतर कर पाए,
तो मैं समझता हूं कि हमारा विकास संभव हो पाएगा। बात केवल यहीं तक नहीं सीमित होनी चाहिए। मैंने फौजी की बात कही कि फौजी आता है, फौज में जाता है तो उसके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, कहाँ पढ़ाएगा? वो आता है प्लेन्स में आ जाता है, देहरादून में आके, हल्द्वानी में आके अपनी एजुकेशन देता है बच्चों को, और जब वो रिटायर होता है तो यही बच जाता है। तो यदि पलायन की बात यदि करनी है या बेरोजगारी की बात करनी है तो आपको पहले शिक्षा को वहाँ देना पड़ेगा, और जिस मकसद से हमने उत्तराखंड राज्य मांगा था वो तभी पूरा हो पाएगा जब हम एजुकेशन को एक बेहतर स्थिति में ला सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।